हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? तो नारियल का चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से नारियल को तोड़ के इस तरह से नारियल निकालेंगे। इसमें डालेंगे 4 से 5 सूखा मिर्च, 2 हरी मिर्च, 4 से 5 कलियां लहसुन की। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं नारियल की चटनी। तो इसे आप इडली हो, डोसा हो, या फिर आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। तो बनाने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम गैस को कर लेते हैं ऑन। अब एक तवा चढ़ा देंगे, तवा को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो तवा गर्म हो चुका है, तो इस पे डाल देंगे सरसों तेल, थोड़ा सा सरसों तेल डालेंगे। तो तेल गर्म हो चुका है, तो इस पे हम मिर्ची को इस तरह से तवे पे फ्राई करेंगे। तो इसी पे साइड पे हम लहसुन भी डाल देंगे और 2 हरी मिर्च, इसको भी डाल देंगे। इसको भी हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। तो कर देते हैं गैस को ऑफ, इसको हम निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा नारियल भी डाल देते हैं। तो इस तरह से मिर्ची को हम फ्राई कर लेंगे, लहसुन को और हरी मिर्च को सबको फ्राई करके। एक ले लेते हैं मिक्सी का जार, इसमें डाल देंगे ये नारियल। अब इसमें मिर्ची डालेंगे, हरी मिर्च, लहसुन, स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा सा पानी लगा के इसको हम पीस लेंगे। तो देख सकते हैं इधर, इसको हम इस तरह से पीस लें। तो इसको निकाल लेते हैं। तो ये रहा नारियल का चटनी। तो इसमें आप करी पत्ता और सरसों का तड़का लगा सकते हैं। हमने इसमें नहीं लगाया क्योंकि हम लोग बनाते हैं तो मेरे घर का बच्चा जो होता है वो नहीं खाता है तड़का लगाए हुए, तो इसको हम सिंपल ही बनाए हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।